हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं हैंडबैग बनाना बताऊंगी। और ये डबल जिपर वाला मैं हैंडबैग बना रही हूँ, तो पहले आपको पूरा पीस दिखा देती हूँ। मैंने इस तरीके से इस पीस को रेडी किया है रबर सीट के साथ, और आप चाहो तो इसमें राइस बोरी और फोम सीट का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने रबर सीट लगाई है, और पीछे हमने पुरानी कुर्ती या अगर आपके पास साड़ी है तो उसका भी यूज कर सकते हो। और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा मैंने किस तरीके से इस हैंडबैग को बनाया है। मैं आपको इस पीस की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो पहले मैं नाप रही हूँ इसकी चौड़ाई, 17 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं आपको बताऊँगी इसकी लंबाई, तो मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 31 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है दो फोल्ड में, तो मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ नीचे की साइड जो बंद साइड है ना, वहाँ पे निशान लगाना है 2.5 इंची पे। 2.5x2 का हमें बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने एक बॉक्स मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब दूसरा बनाना है हमको, तो दोनों साइड हमने बॉक्स बना लिए हैं। अब इनकी करनी है कटिंग। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है बॉक्सों की। अब इसे हमें पीस को खोल लेना है। तो पीस को मैंने खोल लिया है। अब ऊपर की साइड से निशान लगाना है। ये निशान लगा रही हूँ मैं 2.5 इंची पे, और निशान को सीधा लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी करनी है हमें कटिंग। तो कटिंग मैंने कर ली है, और देखो चैन भी मैंने ले ली इसी पीस के बराबर की। उल्टा रखा है मैंने चैन को, और आपको सिलाई में लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने लगाई है चैन पे सिलाई। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब हमें टॉप सिलाई लगानी है। टॉप सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टॉप सिलाई नहीं लगाते हैं तो कपड़ा जो है रनर में फंसता है, इसलिए हम टॉप सिलाई लगा रहे हैं इसमें। और फिनिशिंग भी अच्छी आती है बैग में। तो ये देखो टॉप की सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। अब मैंने सिलाई लगा ली। अब इस पे लगानी है टॉप सिलाई। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, एक पॉकेट और बनानी है इसी के ऊपर। तो ये देखो मैंने पीस को तैयार कर लिया था रबर सीट लगा के, और चारों साइड से मैंने पाइपिंग लगा ली है। इसकी 9.5 इंची की लंबाई है। अब मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। 11.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब इस पीस को हमें रखना किस तरीके से, देखो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। चारों साइड से इसमें पाइपिंग लग रही है, और ये देखो इस तरीके से हमें बीचा बीच में ये पीस रखना है, दोनों कॉर्नर हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने पीस को रख लिया। तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने तीनों साइड से लगा ली है। अब ये हमारी बिना जिपर वाली पॉकेट बन चुकी है इसमें। अब हमें इस वाली पॉकेट में बनाने के लिए कपड़ा लगाना है। तो ये देखो मैंने एक कपड़ा ले लिया है पॉकेट बनाने के लिए। अब ये हमें चारों साइड से इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई हमारी लग गई, ये वाली भी पॉकेट बन चुकी है। अब लगानी है इसमें हमें तनी। तो तनी का निशान लगा लेंगे 5 इंची पे। तो दोनों साइड पे मैं 5-5 इंची पे निशान लगा लूंगी। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिए हैं, और तनी भी मैंने तैयार कर ली थी, इसके अंदर मैंने रबर शीट लगाई है। अब इसकी मैं आपको लंबाई, और 1 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब इसकी मैं लंबाई नाप के बता रही हूँ कितनी है। तो 21 इंची की इसकी लंबाई है। और ये देखो इस तरीके से रखना है, जो मैंने 5 इंची पर निशान लगाया है वो मैंने अंदर की साइड लिया है निशान को। और यहाँ देखो दोनों साइड हमने तनी अटैच कर ली है इसमें। अब इसमें हमें लगानी है चैन। तो मैंने ऐसे ही पीस के बराबर की चैन ले ली है।
और यहाँ पे देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है, तो यहाँ लगा ली देखो इस तरीके से टॉप सिलाई। तो यहाँ मैं देखो आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने लगाई है। अब एक साइड मैंने आपको पीस लगा के दिखा दी चेन किस तरीके से लगाई है पीस पे। अब हमें सेम तरीके से दूसरे पीस पे भी लगा लेनी है चेन। तो ये देखो दोनों पीसों पे रेडी हो चुकी है चेन। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे, तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें उल्टा करना है, तो ये देखो उल्टा मैंने कर लिया है बैक वाले पीस को। अब यहाँ से हमें चेन का सेंटर मिला के सिलाई लगानी है, तो सिलाई मैंने एक साइड लगा ली है। अब लगानी है हमें दूसरी साइड। तो देखो दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली। आप चाहो तो यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हो अंदर की साइड से, मैंने नहीं लगाई है। इस तरीके से हमें ये जो हमने बॉक्स कटिंग किए थे उनको भी सिल लेना है। तो यहाँ देखो मैंने आपको एक सिल के दिखा दिया है, इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें दूसरे बॉक्स पे भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने दोनों बॉक्सों पे सिलाई लगा ली है। अब इसे आपको हैंडबैग को मैं सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो कितना सुंदर हमारा हैंडबैग लग रहा है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया। और ये देखो बिना जिपर वाली पॉकेट है, और एक मैं आपको जिपर वाली भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो अंदर की साइड भी काफ़ी सामान आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से इस हैंडबैग को मैंने बनाया है बहुत सिंपल तरीके से। आपको इस हैंडबैग की मैं तैयार करके लंबाई और चौड़ाई भी बता दे रही हूँ कितनी है। तो 13 इंची की इसकी लंबाई है। अब मैं आपको चौड़ाई नाप के बता रही हूँ, चौड़ाई है इसकी 15 इंची की। कमेंट करके बताना आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।